नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सुखा। बांदा चौथे चरण के पंचायत चुनाव के प्रत्याशी आज और कल करेंगे नामांकन। जनपद के 8 ब्लॉक और जिला पंचायत बांदा में हो रहे हैं नामांकन। जिला पंचायत सदस्य की 30 सीटों के लिए 800 प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा, करवा रहे हैं नामांकन। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बांदा क्षेत्र का है, जहां पर जिला पंचायत और प्रधान पद के प्रत्याशियों के द्वारा आज और कल नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं शासन के आदेश अनुसार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कराया जा रहा है नामांकन, लेकिन फिर भी नामांकन स्थल से भीड़ लगातार आ रही है। प्रशासन लगातार भीड़ हटवाने का प्रयास कर रही है। वहीं नामांकन करवाने के लिए सिर्फ प्रत्याशियों को ही अंदर भेजने की अनुमति दी जा रही है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी समर्थित प्रत्याशी श्रीमती उषा सिंह वार्ड नंबर 12 जिला पंचायत सदस्य का नामांकन कराने आज हम लोग यहाँ पर बांदा जिला पंचायत कार्यालय में आए थे। हमारी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव पूरे दम से लड़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और हमें विश्वास है कि हम यूपी में पंचायत चुनाव जीतेंगे और ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। हम इसके बाद हमारी पूरी तैयारी विधानसभा की होगी। पंचायत चुनाव हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। हमारे अगर देखे जाए बांदा ज़िले पर तो लगभग 22 हमारे जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास लिस्ट आई है 22 जिला पंचायत सदस्यों की आई है। क्या प्रधानी भी लड़ रहे हैं? देखिए, प्रधानी का चुनाव होता है समर्थित में, तो वो भी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, पूरे यूपी से हैं और यहाँ भी हैं। 3351 सीटें पूरे यूपी में हैं, जिसमें से लगभग हम 2600 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का।